परवरदिगार आलम ने तौफीक नसीब की एक बार फिर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की, शब जुमा में दुआ की तौफीक। बहुत सख्त वक्त है एक एतबार से और बहुत अच्छा वक्त है एक और एतबार से। इंसान कैसे कोई ज़िंदगी की खुशी इस वक्त हासिल करे और उन मुसलमानों को भूल जाए कि जो सख्त तरीन मुश्किल से गुज़रना। छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर लाखों लोग हों और उन लाखों लोग में हर रोज़ सैकड़ों शहीद हो रहे हों और सैकड़ों हर रोज़ ज़ख्मी हो रहे हों, और पाँच दिन के अंदर 350 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हों, कैसे इंसान अपने जहन से इसको निकाले। जहाँ कहीं भी हों इस वक्त जो ज़ाहिर है कि वाजिब है हम सब के ऊपर वही कि जो कुछ कर सकते हैं, और बहुत कम चीज़ें रह गई हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो कर गुज़रें इन मज़लूमों की मदद के लिए। और उनमें से एक चीज़ दुआ है खुदा नुमचाल के हुजूर, कि खुदा नुमचाल ने दुआ में बड़ी ताकत रखी है। वस्सलाहु अदुआ, दुआ करते हैं खुदाया इन मज़लूमों के अज़्म और हौसले इस्तक़ामत में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। खुदा बंदा इनके दुश्मनों को सहयोनियों को जल्द अज़ जल्द वासिल जहन्नम फरमा। पाक परवरदिगार बकौल रहबर मुअज़्ज़म के और हक़ाइक़ के मुताबिक ये कैंसर का एक मरज़ है जो इस इलाके को लगा हुआ है। खुदा बंदा इस साजिशी इस तबाहकार इस साजिशकार उनसर को जल्द अज़ जल्द नीस्त व नाबूद फरमा। पाक परवरदिगार फ़लस्तीनियों ने अपनी इज़्ज़त के लिए अपने वक़ार के लिए अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं खुदाया, दीन इस्लाम की अज़मत के लिए खुदावंदा इस क़ुरबानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनकी जल्द अज़ जल्द फ़तह नुसरत, उनकी जल्द अज़ जल्द फ़रज और मदद के अंदर खुदावंदा ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए और सबसे बड़ी जो ताजील फ़रज है वह इमाम की तशरीफ़ावरी है इंशाअल्लाह, इमाम की ज़हूर की ताजील के लिए इंशाअल्लाह, उनकी नुसरत की सआदत के उसूल के लिए और इंशाअल्लाह उनके दुश्मनों की नाबूदी के लिए दुरूद भेजें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। फ़लस्तीन की तारीख में जो एक बहुत बड़ा दर्स हमें हासिल होता है, गरचे ज़ाहिर है कि मौजू फ़लस्तीन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कैसे हो सकता है कि इंसान इस वक्त उसके ऊपर ना सोचे, इसमें जो बहुत बड़ा एक दर्स है वो ये कि जितने भी गैर इस्लामी अफकार होते हैं, चाहे वो कौम परस्ती पर मबनी हो, चाहे वो लिसानियत पर मबनी हो, चाहे वो किसी और किस्म के नज़रियों के ऊपर मबनी हो, इन नज़रियों से मज़लूम को मदद नहीं मिलती, ज़ालिम के काम आ जाते हैं। ये जो फ़लस्तीन है इसमें तकरीबन 70 साल से ये जो गासिब हुकूमत बनी हुई है 70 साल से ज़्यादा, इसके मुकाबले में हर दूसरी फिक्र ट्राई की गई है, उसको उन्होंने आज़माया है, कभी लिसानियत के नाम पर कि अरब कौम परस्ती के नाम पे जमा कर लें, कभी किसी और नाम के ऊपर, दसियों अफकार व ख़यालात को आज़माते रहें, सिवाय वक्त ज़ाया करने के कुछ नसीब नहीं हुआ, सिवाय मज़ीद ज़िल्लत बढ़ने के कुछ नसीब नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अच्छे वक्त से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। हमारी जो नस्ल है उसने जब होश संभाला तो हमने जो भी मुसलमानों की हुकूमतें थीं उनको ज़िल्लत में मुब्तला देखा है। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए, अगर हम मैं अपनी नस्ल के बारे में सोचूं तो मिसाल के तौर पर हमने यही 1973 की जो जंग थी इसको देखा, जो हम अपनी नस्ल से मुलहक लोगों में समझे, तो मिसाल के तौर पर 73 की जंग में क्या हुआ, अरब मुल्कों ने मिलकर हमला किया, सिवाय ज़िल्लत और बदबख्ती के कुछ नसीब नहीं हुआ, हर महाज के ऊपर शिकस्त हुई,
جبکہ ٹھیک ٹھاک شروع کے دنوں میں کامیابی ہوئی تھی، جو چند دن کی جنگ تھی اس میں شروع میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں، بعد میں حکومتوں نے بغاوتیں کر دیں، حکومتوں نے مغربی مالک کے کہنے پر اپنے ہی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اردن جو تھا، مغربی کنارہ جو اس وقت ویسٹ بینک ہے، یہ اردن کا تھا، اور اردن نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے دے دیا اسرائیل کو۔ اسی طرح شام، گولان کی پہاڑیاں، جب اسرائیل کے سامنے مقابلہ ہوا تو دے کے کھڑے ہو گئے، واپس چلے گئے۔ صحرا سینا مصر کے اندر، وہ واپس کر کے چلے گا۔ خود فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے، ہر محاذ کے اوپر شکست ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ۔ یہ جو حملہ ہوا ہے طوفان اقصی، یہ اس 73 کی جنگ کے 50 سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا 50 سال میں؟ اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے؟ فرق یہ تھا کہ پچھلی دفعہ انحصار حکومتوں پہ تھا، قوم پرستی پہ تھا، لسانیت کے اوپر انحصار تھا، دین پہ نہیں تھا۔ کوئی ڈیموکریسی کے نام پر ہے، کوئی سوشلزم کے نام پر ہے، کوئی کمیونزم کے نام پر ہے، کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے، ان سب نے مروا دیا ان لوگوں کو۔ فلسطینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 80 کی دہائی میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے، اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا وہ سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت 80 کی دہائی میں ان کو جد و جہد کرتے ہوئے 30-35 سال ہو رہے تھے، 30-35 سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ 48 سے شروع کر لیجئے، 48 سے پہلے سے شروع کر لیجئے، کہیں سے بھی شروع کریں، ہارتے ہارتے گئے، ذلت و خواری ذلت و خواری، یہاں تک کہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں فلاں۔ 80 کی دہائی میں جب یہ صہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کے مقابلے میں آئے، اور اہل بیت عطا علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی، پہلی دفعہ 35-37 سال کے بعد ایک ظاہری طور پہ عرب طاقت نے صہیونیوں کو شکست دے دی۔ پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا، ان کے پاس کیا ہے، یہ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس کے بعد حزب اللہ نے گویا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ مسلسل بڑھتے رہے اور مسلسل اپنی فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے۔ تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بالآخر کوئی چیز ہے، کہیے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہی سادہ اسلحہ جو پوری عرب ہر ملک کے پاس، تو ظاہر ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اسلحہ موجود ہے، وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی، اور ادھر حزب اللہ کے پاس کامیابی تھی۔ تو یہ پیٹرن لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے۔ وہاں سے فلسطینیوں کو ہمت ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا۔ یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً 86-87 کے قریب، اس نے عربوں کو، فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت عطا علیہ السلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئیں، ظاہر ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی فتوحات بھی بڑھتی چلی گئیں، اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہل بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ مثلا 1991 میں کویت کے اوپر جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد بعد میں عراق کے اندر امریکہ کا آنا، اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا، اور اہل بیت عطا علیہ السلام کے چاہنے والے ایران میں، عراق میں، ہر محاذ کے اوپر کامیاب ہوتے رہے۔ تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا، وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں، کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کی ایک پارٹی وہاں پہ تھی۔ کمیونزم بولیے، سوشلزم بولیے، ڈیموکریسی بول لیجیے، عرب نیشنلزم بول لیں، پتہ نہیں کن کن ناموں سے 25 گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے، لیکن پھر ان کے اندر
इस्लाम के नाम पर कुछ लोग तरबियत पाना शुरू हुए। ऐसा नहीं था कि ये जो डेवलपमेंट इस्लामियों की थी ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, नहीं ऐसा नहीं था। शाम के महाज पर जब शाम का मसला शुरू हुआ था तो जिहाद इस्लामी और हमास तकरीबन जुदा हो गए थे ईरान से, हिजबुल्लाह से तकरीबन कट गए थे। बाद में फिर दोबारा उन्होंने एहसास किया कि हमसे फिर गलती हो गई है, हमें मुतसिल होना है, और फिर दोबारा आकर अपने आप को जोड़ा। और अब जो हमाहंगी ईजाद हुई है, और ख़ासकर इसमें शहीद कासिम सुलेमानी का नाम लिया जाता है कि जो उन्होंने रहबर मुअज़्ज़म के कहने पर इसका फैसला रहबर मुअज़्ज़म ने किया कि हमें फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन के अंदर मजबूत करना होगा, न ये कि हम बाहर से उनको कोई मदद दें, ये नहीं करना होगा। और ये वो बुनियादी तरीन नुक्ता है जो हर कौम और हर मिल्लत को सीखना पड़ेगा। कभी भी न कोई कौम किसी और कौम से कहे कि तुम हमारे निगहबान बनो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मत कह। और न कोई बाहर वाली कौम किसी कौम को ये दर्ज दे कि तुम कुछ ना करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ये दोनों फिक्रें गलत हैं। कब फलस्तीनियों में ताकत आई? उस वक्त ताकत आई जब जमहूरी इस्लामी ने तय किया कि हम इनको मजबूत इतना करेंगे कि ये खुद अपने फैसलों को कर सकें, खुद अपने मुकाबलों को लड़ सकें। अब आप देख लीजिए कितना इसरार है दुश्मनों का कि ये जो तूफान अक्सा था इसकी मनसूबाबंदी बाहर से हुई है, और सबका इसरार है कि कोई बाहर से नहीं हुई है, ये काम खुद फलस्तीनियों ने किया। उनकी कैलकुलेशन में नहीं आ पा रहा था कि फलस्तीनी भी ये काम कर सकते हैं, और हमें फिर दोबारा कबूल करना पड़ेगी रहबर की बसीरत। कि उनको ये अंदाजा था कि अगर हमने फलस्तीनियों को मजबूत किया तो वो ये भी कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि इससे बढ़कर भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पे दो तीन बुनियादी तरीन नुकते हैं जो हमें सीखने चाहिए। हमें कौम, हर वो कौम जो जुल्म का मुकाबला करना चाहती है, हर वो कौम जो इस्लाम के नाम पर जुल्म के लिए मैदान में उतरना चाहती है, उसको ये दो तीन नुकते सीखने पड़ेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद पहली बात तो ये कि कोई मैदान, आप मुसलमान हैं, आपकी शिनाख्त इस्लाम है, कोई मैदान बगैर मानवियत बगैर रूहानियत के हासिल नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन बन जाइए, पैसा कमाने पे आ जाइए, दुनिया के फला शख्स बन जाइए, कुछ नहीं हो सकता। मानवियत चाहिए, रूहानियत चाहिए। अब वो जो एक जमाने में बातें थी कि मिसाल के तौर पर कौम के अंदर एक लहर उठती थी कि दुआओं से कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी कौम के साथ और हर उस कौम के साथ, हमारे का मसला नहीं है, हर उस कौम के साथ जिसकी बुनियाद नजरियाती फिक्री बुनियाद मजबूत ना हो वो रिएक्शन पे आ जाती है। रिएक्शन पे आ जाती है तो क्या होता है, एक मामले में कामयाबी होती है तो उससे ज्यादा नंबर देने लगते हैं किसी चीज को जितना उसको मिलने चाहिए, कहीं पर नाकामी होती है तो उसको उससे ज्यादा इल्जाम देने लगते हैं जितना इल्जाम देना चाहिए था। तो मिसाल के तौर पर कभी खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह मुसलमान हारे तो सबके जहन में क्या आने लगा, अब दुआओं से कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो कहीं और होगा। अच्छा, अब कहीं पर कोई मैदान जीत गए तो अब कुछ नहीं करना है, बस इबादतों से होगा। नहीं, दोनों बातें सही नहीं है। खुदा मिसाल सूरह अनफाल में फरमाता है, इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बुतु वज़्कुरुल्लाह कसीरन, साबित कदम हो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अइद्दुलहुम मस्ततअतुम, जितना कर सकते हो पूरी कोशिश करो, अपनी तैयारी को पूरा करो। तो मुझे लगता है पहला दर्स जो हमें समझ में आता है वो ये कि अगर हम बगैर मानवियत के पैसों के बलबूते पर, सियासी गठजोड़ के बलबूते पर कोई ताकत लेना चाहते हैं, ये ताकत पायदार नहीं होगी, ये ताकत खत्म हो जाएगी। मैं मिसाल किसके मुकाबले में कह रहा हूं, ये कोई एक वाकया होगा जिसके अंदर मसलन कोई किसी कौम का बंदा कामयाबी हासिल करेगा, अब जनाब सारे SMS आना शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि देखो
اسلام سے کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھو اس قوم کو اس نے کیا کر لیا. اب یہ خود دیکھیے اس طوفان اقصا کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا, وہ جتنے خیالات بنائے گئے تھے کہ اسرائیل کی تو ملٹری ایسی ہے, اسرائیل کی تو انٹیلیجنس ایسی ہے, وہ تو یہ کر لیتے ہیں, وہ تو وہ کر لیتے ہیں, سب خاک میں مل گیا. کہاں گیا وہ ملٹری انٹیلیجنس؟ وہ پتہ نہیں آئرن ڈوم ان کا ایسا ہے اور یہ کر لیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے. کہاں گیا وہ سب آئرن ڈوم؟ ابھی تو خود اسرائیلی آئرن ڈوم کو یاد نہیں کر رہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے. پہلا پوائنٹ جو ثابت ہوا, معنویت, معنویت پہ توجہ دیں. تو یہ مثال کے طور پر حتیٰ یہی دعائیں, دعائے کمیل, عبادات کا سلسلہ, اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان اہمیت دے. یہ نہیں ہو کہ مثلا کسی ہفتے فارغ تھے تو ہم نے کر لیا, نہیں تھے فارغ اس ہفتے تو نہیں کیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اہم ہے, فارغ ہو یا نہیں ہو, یہی کام ہے, یہ کام ہے. تو اس کو اہمیت دیں, نماز اول وقت کو, عبادات کو. کامیابی چاہیے, یہ راستہ کامیابی کا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہ. دوسرا پوائنٹ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. کوئی قوم اپنی فتح دوسری قوم سے بھیک مانگ کے نہیں لے سکتی, یہ کمانی پڑے گی, قربانی دینی پڑے گی. آج اگر فلسطینی, مثال کے طور پر جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں, سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں, 1200 کے قریب لوگ بیان کر رہے ہیں, نہیں معلوم کتنے, اس کے اوپر بھی ابھی عرض کروں گا, یہ قربانی ہے جو دینی پڑے گی. اور الحمدللہ رب العالمین, پہلے دن سے مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں کسی فلسطینی کا سن رہا تھا, اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ قربانی دینی ہے اس فتح کے لیے جو ہم نے حاصل کی ہے, تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور بالکل یہ وہی انداز ہے جو قوم جب یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے, تو یہ بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی عزت پہ پہنچنا ہے, کسی مقام پہ پہنچنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا دوسری قومیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ کریں گے. نہیں, یہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا, اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. اب اس میں دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو آپ سے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً نا امید کرنے والے میسیجز, میں آپ کو اپنے طور پر یقین سے بتا رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کام یہی ہوگا کہ انہوں نے نا امید کرنے والے, تنزیہ, اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنے والے میسیجز بنانے, اور میرے جیسے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے, اپنی دانش میں قربتاً الی اللہ وہ لوگوں کو پہنچانا ہے. کیوں بھیجے؟ ایک تو پہلے ہی سانحہ ہوا ہوا ہے, اوپر سے نا امید کرنے والا میسیج کیوں بھیجیں جس میں ہماری ذلت ہو, ہماری حقارت ہو؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی کوئی مشکل آئے, بجائے یہ کہ نا امید کرنے والے میسیجز آئیں, ہمت دلانے والے میسیج بھیجو, اپنے آپ کو مضبوط بنانے والے میسیج بھیجیں. تو دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اگر قوم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گی, دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک بات جو واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو میں انتقاد کے طور پہ کہوں, تنقید کے طور پہ کہوں, تو میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کے اوپر تنقید کے طور پہ, لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ 40 سال میں اگر حزب اللہ اس مقام سے وہاں پہ پہنچ گئی اور ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی, اس کی ایک وجہ یہی ہے, ہم نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا. ہمیشہ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں, اور اس کی پتہ نہیں کیوں کہ پیچھے وجہ ہمیں معلوم ہے, کسی حد تک دوسروں پہ انحصار کیا, اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے دوسروں کے منتظر رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں. مدد لینا صحیح ہے, اصولاً صحیح ہے. کوئی بھی قوم
नहीं कर सकती दूसरी कौमों से मदद ना ले, मदद लेना सही है। इन्हिसार करना गलत है, इन्हिसार नहीं करना, इन्हिसार अपने ऊपर करना, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी सलाहियत के ऊपर। तो जो फर्क मुझे समझ में आया, फलस्तीनी जब तक दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते रहे, मिस्र करेगा, उर्दुन करेगा, नहीं मालूम शाम करेगा, जिल्लत खुआरी होती रही। जब फलस्तीनियों ने अपने ऊपर इन्हिसार करना शुरू किया, इज्जत मिलना शुरू हुई। कुर्बानियां फिर भी देनी पड़ती हैं लेकिन इज्जत के साथ। ये दूसरा पॉइंट मुझे समझ में आता है। एक तीसरी बात और अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। तीसरी बात ये समझ में आती है कि कोई भी कौम जब तक ये सोचे ये हमारा मसला नहीं है, इस कौम ने नाबूद होना है, इसे नाबूद होना है। जब आप अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, गोशानशीन कर लें और कहें ये हमारा मसला नहीं है, आप यकीन मानिए आपने तन्हा होना है। फिर उसने तन्हा नहीं होना जिसने आपका साथ, आपने उसका साथ छोड़ा है, आपने तन्हा होना है। और मौला का एक फरमान इसके अंदर बिल्कुल वाज़े फरमान, जब तुम अपना हाथ रोकते हो किसी को देने के लिए तो तुम अपना एक हाथ नहीं रोकते, बहुत सारे हाथों को रोक लेते हो जो तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले थे, तुम्हारी मदद के लिए बढ़ने वाले थे। तुमने क्यों रोका उन लोगों को और कैसे रोका? क्योंकि तुमने देना छोड़ दिया। तो हम एक कौम होने के नाते जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हम आइसोलेटेड नहीं है, हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट का हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी मूवमेंट जब मैं आपसे कह रहा हूं तो ये मतलब मेरा नहीं है कि जोग्राफिया के एतबार से बड़ी है पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम, लुबनान, नहीं है। सदियों पे शामिल है, ये सदियों पे शामिल है। हमारे पास एक माजी है, वो माजी कुर्बानियों से भरपूर है। उन कुर्बानियों की इब्तिदा नबी के घराने से है, ये हमारा माजी है। वो जलता हुआ दरवाजा, वो बीवी के मसाइब, वहां से शुरू हुआ सब। उसके बाद कुर्बानियों पर कुर्बानियां, 200 साल 250 साल की कुर्बानियां। किसी भी अहले बैत के चाहने वाले को जिंदगी में कभी ये हिस्सा नहीं भुलाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मजालिस हैं, मजालिस में मसाइब आते हैं, मसाइब में तस्करे होते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक याद रखना चाहिए। अहले बैत ने इस काम को कैसे अंजाम दिया? अगर कोई कुर्बानी देते थे उस कुर्बानी के पीछे कुछ हासिल होता था। करबला की कुर्बानी दी, उस कुर्बानी से हासिल किया। और शायद अगर मुझसे कोई, यानी मैं अगर अपने जहन से कुछ सोचना शुरू करूं और मैं कहीं तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मौला सातवें इमाम का जिंदान में जाना। बहुत बहुत हसास जमाना ये ज़माना, तशय्यो का फैलाव इस ज़माने में हुआ है जब इमाम जिंदान में। बहुत ख़ास ज़माना है ये। हम इस माजी से निकली हुई कौम है, उस माजी से निकलकर एक मुस्तकबिल तक पहुंचना है। वो मुस्तकबिल क्या है? पूरी दुनिया पे परचम इस्लाम ने लहराना है, पूरी दुनिया पर उसी खानदान की हुकूमत होनी है जिस पे, जिसके घर पर हमले के वक्त 10 लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। अल्लाह अकबर। उस माजी से निकलकर इस मुस्तकबिल तक आना है। कैसे आना है? इन्हीं कुर्बानियों से आना है, इन्हीं फिदाकारियों से आना है। और हम अपनी मुख्तसर मुद्दतों के अंदर जो 50 60 साल 70 साल मेरे और आपके पास ज़िंदगी में है, ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो बहुत बड़ा एक ज़माना है 1100 साल 1150 साल। 50 60 साल में भी आखिरी कम से कम 30 40 साल में बहुत इत्मीनान से, सुकून से कह सकते हैं बहुत नज़दीक आ गया, बहुत नज़दीक आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई खदशात थे भी कि मिसाल के तौर पर नहीं अभी फासला होगा, तो यूं लगता है जैसे अब बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि नहीं फासला ज़्यादा नहीं होगा,
फासला बहुत कम होगा। हाँ ये है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि उस कामयाबी तक फासला कम होगा, फौरन अपने ऊपर तवज्जो जाती है कि हमारी तैयारी कहाँ पर होगी, आया हम उस चैलेंज को उठा पाएंगे, उस इम्तिहान के अंदर सुरखरू हो सकेंगे। बहरहाल आप और मैं बहुत सुनहरी वक्त में हैं और बहुत हसास वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने बहुत नेमतें दी हुई हैं। इस वक्त मज़लूमियत तो है, जाने तो जा रही हैं, लेकिन जाने कब नहीं जाती। क्या जिंदगियों ने हमेशा यहाँ रहना होता, किसने रहना है। तो जाने तो जाती हैं, लेकिन इज्जत से जाएं, फ़ख्र से जाएं, किसी हदफ से जाएं, किसी कामयाबी के लिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हासिल हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी मानवियत के ज़रिए से इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। बस आप और मैं कम अज़ कम खुदा के सामने इस जवाब के लिए कि तुम क्या कर रहे थे जब फ़लस्तीनी मज़लूम थे, कम से कम इसके लिए हर रोज़ दुआओं में याद रखें। जो बाद में कर सकते हो वो करते रहें, सोशल मीडिया के ऊपर जिसको जिसको रहबर मुअज़्ज़म बयान करने का जहाद इस्तलाह में इरशाद फरमाते हैं कि वो करते रहें। सहयूनी जो मीडिया है वो ज़ाहिर है कि कोशिश करता रहता है कि मज़लूम को ज़ालिम साबित करे, ज़ालिम को मज़लूम साबित करे, लेकिन तकरीबन हार चुके हैं, मीडिया के अंदर भी हार चुके हैं, मैदान में तो हारे भी हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि मीडिया के अंदर भी अब कामयाबी का इम्कान नहीं रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मज़लूमियत अपने आप को साबित कर रही है। चंद दिनों में बहुत बहुत कोशिश की है ज़ालिमों ने कि अपने आप को मज़लूम साबित करें, लेकिन खुदा ने गोया वादा कर लिया इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुदा ने मुताल हम सब को इस इम्तिहान में, उनकी नुसरत के इम्तिहान में सुरखुरू नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और हमारे पास दुआ दुआ और गिरिया के सिवा और क्या वसीला है। जब आप और मैं अपनी परेशानियों के लिए रो सकते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, तो 10 लाख मुसलमानों के लिए नहीं रोक सकते, 350 बच्चों की माओं के लिए नहीं रो सकते। अपनी एक औलाद का जाने का जख्म कितना शदीद होता है, 350 माओं के बच्चे मर गए और मरे नहीं है, शहीद किए गए। दर्द एहसास करना जरूरी है। और आयतुल्ला मिश्किनी कहते थे कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के इस दर्द को अपने कल्ब के अंदर एहसास नहीं कर सकता, तो कहते थे मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उसका कल्ब मरीज है, क्यों एहसास नहीं कर रहा। इस दर्द को एहसास करें कि आप और मैं जब आज रात जाके अपने बिस्तरों पे सोएंगे तो लाखों लोग सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे होंगे, ये किसी भी टाइम पर क्या हो सकता है। और ये सख्त वक्त है, लेकिन इसमें सुरखुरुई है, इसमें इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, हमारा गिरिया ही हमारा असलहा है, हमारा अहले बैत से तवस्सुल हमारा असलहा है। तो आप इस तवस्सुल को ज़रूर अंजाम दें। आज शब जुम्मा भी है, खुदावंद मुताल की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया से मुसलमान अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहे होंगे कि खुदा नुसरत फरमा। और क्या भरोसा कि आज की दुआओं के नतीजे में ही खुदा कोई गैर मामूली नुसरत कल सुबह नसीब कर दे। पहली शब जुमा इस हादसे के बाद, इंसानों के बाद जो बमबारी के अंदर हो रहे हैं, तो शायद खुदा ने मुताल इस शब जुमा के सदक़े में कल ही कोई ख़ास नुसरत इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। खुदा से दुआ करते हैं कि खुदाया बीबी सैयदा के इसमें फ़ातिमा के सदक़े में, खुदाया बीबी सैयदा के इसमें जहरा के सदक़े में, खुदा फ़लस्तीन के मुसलमानों को फ़तह नुसरत नसीब फरमा।
इस मजलूमियत में उनको हिफ्ज़ अमान और पनाह नसीब फरमा। हमारे पास जंग के जो वाक़ियात हैं ईरान इराक़ की जंग के, उसमें एक वाक़े में बयान करते हैं कि एक मुजाहिद जब बहुत ज़ख्मी हो जाता है और बिल्कुल शहादत के नज़दीक आता है, एक कमांडर जिनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो बीबी से तवस्सुल करते हैं और जब वो शरफ़ हासिल करते हैं तो बीबी से दरख्वास्त करते हैं कि बीबी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ करें, ये जंग ख़त्म हो जाए, इसमें हमें फतह नुसरत नसीब हो जाए। तो कहते हैं कि बीबी ने देखा इनकी तरफ और कहा कि हाँ हो सकता, कुछ एक इशारा किया, और बयान करते हैं कि बस उसके बाद से जंग में कामयाबियां ख़त्म नहीं हुई, फिर सिर्फ कामयाबियां नसीब हुई। हकीकत यह है कि हमें अहले बैत का एक इशारा चाहिए, बस एक लुत्फ एक करम चाहिए इंशाअल्लाह। आज शब जुमा है और दो दफ़ा बीबी सैयदा का तज़किरा किया है, चाहूँ ना चाहूँ मेरा दिल चाहता है बीबी सैयदा के मसाइब में से चंद जुमले अर्ज़ करूँ। इंसान मजबूर है उन वाक़यात को अपने ज़हन में रखें, मजबूर इस एतबार से कि उसके बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। हम कैसे भूल सकते हैं वो वक्त जब बीबी सैयदा दरो दीवार में पिस रही, कैसे भूल सकते हैं? सारी जिंदगी सुनते आए कि अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को चाहते थे, सारी जिंदगी सुनते आए कि जब वो तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के नबी खड़े हो जाया करते, सारी जिंदगी बीबी सैयदा के करामात लोग देखते रहे, जो उनके घर में जाता था कभी खाली हाथ नहीं आता था, और कल सबको पता है फातिमा का मतलब ये है दूसरों को आग से बचाने वाली हस्ती है। रिवायत में है कि इनका नाम फातिमा रखा इसलिए गया कि इनके चाहने वालों को खुदा कोई आग से नुकसान नहीं पहुंचने देगा। नहीं मालूम क्यों जिनका खुद का नाम फातिमा था उसने चलता दरवाजा बर्दाश्त किया, गोया यही मकाम था कि पहले खुद उन मसाहिब से गुजरे ताकि खुदा उस मकाम तक पहुंचा दे। और मजलूमियत यही है, हमारे पास एक अजीब रिवायत है बयान करने में बयान करते हैं, कहते हैं कुछ तबर्रुकात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के वक्त के इमाम के पास हैं कि उन तबर्रुकात को देखकर वक्त के इमाम रोते हैं और याद करते हैं कि मैं आऊंगा। लेकिन ऐसी तो बड़ी अजीब रिवायत है, ये बहुत अजीब रिवायत है, उसमें लिखा कि जो बीबी सैयदा की शहादत के तबर्रुकात है वो इमाम ने किसी और को दिए हुए और कहा कि ये खास वक्त मेरे पास लाया करो, उनका जख्म इतना शदीद है कि जब वक्त के इमाम उनको याद करते हैं एक खास हालत से गुजरते हैं। मैं 1400 साल के बाद हकीर इंसान जब सुनता हूं कि बीबी सैयदा ने दरो दीवार में पिसते हुए याद मेहदी फरमाया था तो मेरा दिल जलने लगता है कि वो वक्त कब आएगा जब तशरीफ लाएंगे और इस जुर्म का बदला देंगे। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा खुद वक्त के इमाम को वहां कितना आसियत देता होगा कि उनकी जद्दाई माजदा उनको पुकार रही है कि मेरा बेटा आएगा। खुदा बंदा तुझे वास्ता बीबी सैयदा के मसाइब का, खुदा तुझे उन शान हस्तियों के मसाहिब का वास्ता खुदा, मुसलमानों को जल्द अज जल्द इमाम के जहूर की शहादत नसीब फरमा, उनके जहूर के दिन देखना नसीब फरमा,
उनकी नुसरत की सआदत नसीब फरमा। खुदावंदा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मजलूमियत का वास्ता, फलस्तीन के मजलूमों को फतह नुसरत नसीब फरमा। इन गासिबों और सहयूनियों के जुल्म व सितम से हिफ्ज व अमान नसीब फरमा। और जो भी ये जालिम अंजाम दे रहे हैं और इनके साथ हमकारी कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं, उन तमाम को जल्द अज जल्द नीस्तो नाबूद फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, तूने मजलूमों की आह में एक ताकत रखी है। खुदाया 350 माएँ पुकार रही है, खुदाया सैकड़ों बेवाएं पुकार रही है, खुदाया सैकड़ों यतीम पुकार रहे हैं, खुदाया तुझे मौला अली असगर की मजलूमियत का वास्ता, इन बच्चों के कातिलों के जल्द असल नीस्त नाबूद फरमा। खुदाया तुझे बिन्त सैयद शहदा की सिंदान शाम की मजलूमियत का वास्ता, खुदाया इन यजीदान वक्त को जल्द जल्द नीस्त नाबूद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, बिजाह नबीका व इजरतिहि ताहिरी।